हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है डियर, ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। जब भी ये चैनल या ये पेज ओपन होता है, जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मैसेज यहाँ से यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ओके। और आज ट्यूसडे है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि हनुमान बाबा की ब्लेसिंग्स है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए खास है। अब वो क्यों खास है, किस लिए खास है, लेकिन हाँ, बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा नेक्स्ट 15 डेज में आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन आपको पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आएगा, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल सोल है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही जैसे कि एक ऐसी सरेंडर की ऊर्जा में आप मुझे सॉरी, जिस जिसके ये मैसेज रेजोनेट हो वही लेना, ठीक है, मैसेज को, कि आपको बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल सोल है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अपने आप को सरेंडर कर रखा है, ठीक है, और अलग सी ऊर्जा में है। मुझे अभी से इंट्यूशन आने लग गए आपके, और अलग ही ऊर्जा में है डियर, ठीक है। तो गोइंग विद द फ्लो, आप अगर आप अपने ऊपर डाउट करोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो प्लीज आप अपने ऊपर डाउट मत करो। आप यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि गोइंग विद द फ्लो, मतलब बहना है आपको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो भी आ रहा है आपकी तरफ उसे एक्सेप्ट करो और आप बहो। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं डियर, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत बड़ा वाला बिग थैंक यू सो मच। मेरे पास, मैं सच बताऊं ना कि जैसा आप बोलते हो कमेंट सेक्शन में कि हमें नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन हाँ, आपकी गाइडलाइंस हमें मिल जाती है, आपका साथ हमें मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो सेम वर्ड्स मेरे आपके लिए भी हैं, ठीक है। मैं भी यही कहूंगी आपसे, अगेन थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। किसी से लेने की जरूरत नहीं है, किसी से भी वहां पर करने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, नंबर आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्यों खास होने वाले हैं, क्या है जो आपका मैनिफेस्टेशन या जो कुछ भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टेरो से देखूंगी, कलेक्टिव रीडिंग है डियर, ठीक है। तो कलेक्टिव है तो अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है आपसे कुछ कुछ मैसेज रेजोनेट हो, जो होता है रख लेना, जो नहीं होता है जाने देना, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट 15 डेज आपके सामने जब भी वीडियो आती है उसके नेक्स्ट 15 डेज, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, मैं यही इंटेंशन डालती हूँ रीडिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्यों खास होने वाले हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज में क्यों खास होने वाले हैं, क्यों खास, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे सलाम बुक नजर आई है, जैसे बुक को आप रीड कर रहे हो, ठीक है। जैसे बुक, जैसे नॉलेज की बात आती है, विजडम की बात आती है, ठीक है। जैसे आपको रीडिंग करने का काफी शौक है, बुक को रीड करना, ज्यादा से ज्यादा अपने अपने अंदर कुछ यहाँ पर ग्रहण करना, आप कुछ ना कुछ यहाँ से ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर गणेश भगवान की भी असीम कृपा, क्योंकि वो आपकी बुद्धि, आपको नॉलेज यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ नेक्स्ट 15 डेज में कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है यहां पर, तो उसे एक्सेप्ट यहां पर करने की जरूरत है आपको, या हो सकता है आप उस एनर्जी में हो भी सकते हो आप यहां पर, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज आ रहा था, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, ओके। फर्स्ट कार्ड, माय गॉड, क्यों खास होने वाले थे, 10 ऑफ वैंड्स, डेथ। बहुत, ये दो कार्ड से बहुत कुछ क्लियरिटी दे चुके हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स,
फोर ऑफ कप्स टेम्परेंस। जो मैंने बोला है कि कुछ खास होने वाला है, ओके कुछ खास होने वाला है, और ये जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे डियर आपके, जैसे यहां पर ये अलग ही मोड जैसे जा रहा है आपका, कुछ अलग ही बहुत अलग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव मैं यहां पर देख रही हूं। सबसे बड़ी बात यहां पर जो मैं नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए यहां पर देख रही हूं, एक तो आप है ना, जो आप पास्ट में थे डियर, ठीक है, उससे टोटली आप अपने आप को चेंज महसूस करोगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपकी जैसे कहते हैं ना कि आप अभी तक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ऐसी दुनिया में थे, कुछ ऐसा था जो आपको जैसे आपके आपके जैसे कोई दुख तकलीफ थी आपके सीने में या दिल में या दिमाग में, जिसे आप उसके वो ही वही चीज आपको जैसे मैं कैसे बताऊं यहां पर, वही चीज जैसे आपको वही उसी घाव को आपने अपने दिल में मतलब उसको छुपा कर रखा हुआ था, वही घाव आप जैसे कहते हैं ना कि बार बार कुतर रहे थे, और वो घाव जैसे आपको उभरने नहीं दे रहा था, ठीक है। जब कोई घाव होता है ना डियर हमारा, जब कोई ऐसी दिक्कतें होती हैं, कुछ ऐसी परेशानी होती है हमारी लाइफ में कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ वहां रुकी हुई होती है, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, अगर कोई घाव है आपका दिल दिमाग पर, या हो सकता है किसी की बॉडी पर भी कोई घाव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि घाव वर्ड आ रहा है तो ये कहीं पर भी हो सकता है, आपके आंतरिक उसमें भी हो सकता है, आपके बाहरी रूप में भी हो सकता है, तो जैसे वो भरा जा रहा है आपका, ठीक है, आपकी कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम उसका समाधान आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी कोई ऐसी बहुत बड़ी विश है, ठीक है, ये रिलेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो लंबे अरसे से, लंबे टाइम से आप चाह रहे थे, ठीक है, तो वो यहां पर आपकी वो विश भी पूरी हो रही है नेक्स्ट 15 डेज में। एक यहां पर एक बहुत अलग से जैसे कहते हैं ना कि एक यू टर्न मार रहे हो आप, बहुत कुछ चीजें आपको जैसे जो भी आपका आपके सपने हैं, आपके ड्रीम हैं, जैसे यहां पर अब वो आपको सच होते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज जैसे आपकी सबसे बड़ी बात शिफ्टिंग कहां हो रही है, आपके आपके कुछ घाव हैं ऐसे जैसे उनको भरा जा रहा है, ठीक है, अब वहां से क्या हो रहा है, आप बैलेंस हो रहे हो, आप बैलेंस हो रहे हो तो यहां पर आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस इतने मेजर लेवल पर हो रहे हैं डियर आपके, कि जहां पर जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पर आप तकलीफ में थे, पेन में थे, और एक टाइम पर आप जैसे अपने आप को ये समझोगे कि मुझे ईश्वर ने क्या ऐसा उपहार दे दिया, ठीक है, कौन से ऐसे कर्मों के फल मुझे यहां पर दे दिए, जो मैं जैसे मेरी लाइफ में अचानक से मेरेकल्स हो रहे हैं, इतना बड़ा मेजर चेंज यहां पर बदलाव हो रहा है। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए डेफिनेटली ये फैक्ट है कि यहां पर आप बहुत बड़े मेजर बदलाव से गुजरोगे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इसमें बहुत बड़ा चेंज शिफ्टिंग यहां पर आ रहा है, बहुत बैलेंस को आप यहां पर देखोगे, ठीक है। और सेकेंडली यहां पर ये जो अब यहां से आप जैसे अभी तक आप कुछ घाव जो थे वो आप उनको समझ नहीं पा रहे थे, या उस दुनिया जैसे आपकी एक दुनिया थी, आपने अपनी एक दुनिया को ही सेट कर रखा था कि बस मुझे अपने में ही सीमित रहना है, अपने तक ही रहना है, ठीक है, मुझे से कोई बातचीत नहीं करनी है, लेकिन यहां पर ये जो शिफ्टिंग आ रही है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हो रहा है, ये यहां पर ये है कि अब आप जैसे अपनी उस दुनिया से बाहर आ रहे हो, ठीक है, और नेक्स्ट 15 डेज में जो मैंने आपको बोला कि डेफिनेटली कोई ऑफर है, कोई अपॉर्चुनिटीज है, जिसे उसे आप उसको रिसीव यहां पर करोगे, जिसकी वजह से आपके आपके जितने भी घाव हैं, जितने भी इमोशंस दबे हुए हैं,
जितना भी आपके अंदर चेंजेस करने हैं आपको, वो आप करोगे और फाइनली जैसे आपका एक जैसे अलग रूप, एक आपका अलग रूप आपको यहाँ पर नजर आएगा। बहुत हील, ठीक है, बहुत बैलेंस, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत यहाँ पर मैं कहूंगी कि बहुत एक ऐसी ऊर्जा में आप रहोगे जिसे आपकी आपकी लाइफ में एक शांति है, एक सुकून है। जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आया था आपके लिए स्टार्टिंग में कि गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, आपको सिर्फ बहना है, आपको सिर्फ यहाँ पर बहना है। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में आपके अंदर एक जबरदस्त चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, नेक्स्ट 15 डेज में आपकी तरफ यहाँ पर मिरेकल्स कहाँ होंगे, हो सकता है मिरेकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डिवाइन की तरफ से, कि डिवाइन आपको बस यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है, ठीक है। वो ब्लेसिंग्स ऐसी होंगी डियर कि जहां पर आप बहुत ज्यादा आपके अंदर चेंजेस होंगे, हो सकता है ये हीलिंग भी है या फाइनेंशियली अबंडेंस भी है यहाँ पर, ठीक है, और ग्रोथ है यहाँ पर आपकी। ये नेक्स्ट 15 डेज सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ये अभी तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करोगे, और आती हुई नेक्स्ट 15 डेज में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, उसे आप बहुत गहराई से समझोगे, जानोगे और उसके ऊपर आप वर्क यहाँ पर करने वाले हो। आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपनी इंट्यूशन के ऊपर यहाँ पर विश्वास करोगे। एक जो एक एक आपने एक दायरा आपने सेट कर रखा था, किसी भूल भुलैया में थे तो उस दुनिया से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। एक ऐसा चेंज परिवर्तन आ रहा है कि जहां पर आपके अंदर बहुत जैसे कहते ना कि आपने ये समझ में आएगा, ये क्लैरिटी आपको मिलेगी कि फाइनली आपने आपने अपनी कुछ ऐसी चीजों को हरा दिया है, कुछ ऐसी कमजोरियों को खत्म कर दिया है, ठीक है। और जो कभी कभी हमारे अंदर कुछ ऐसी कमजोरियां होती हैं जिसे चाहकर भी हम भुला नहीं पाते हैं, ठीक है, या छोड़ नहीं पाते हैं, या उस चीज उससे भर नहीं पाते हैं, तो ये कमजोरी हो गई। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में जो भी आपकी कमजोरी है, जो भी गलत फहमी है, जो भी कुछ है आपका, नेक्स्ट 15 डेज में आप जैसे अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी जैसे कहते ना कि अपनी बहुत कुछ ऐसा अपने अंदर चेंज महसूस करोगे कि आपको अपनी पावर का पता चलेगा, अपनी इंट्यूशन का यहाँ पर पता चलेगा। क्योंकि आप बहुत, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का यहाँ पर पता चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको यहाँ पर आपके एंजल्स आपके साथ बहुत ज्यादा रहेंगे, तो आपको बैलेंस यहाँ पर रहने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी तफलो बहना है आपको, और अपनी इंट्यूशन के ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है कि जितना ज्यादा आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करोगे, उतनी ही आती हुई अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर आप रिसीव भी करोगे, ठीक है। तो बहुत बैलेंस की ऊर्जा है, बहुत एक बहुत जबरदस्त एक मेजर चेंज आपके अंदर, खुद के अंदर यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक ऐसी समय या एक ऐसी चीज को आपने हराया है, फाइनली जैसे आप यहाँ पर अपनी जैसे कहते हैं एक दूसरा रूप आप अपना देखोगे यहाँ पर डियर, जैसे आप हकीकत में हो क्या, ईश्वर ने आपको कैसा बनाया है, वो चीजें आपकी उभर के यहाँ पर बाहर आएंगी। आपको अपने अंदर परमात्मा का एहसास होगा कि परमात्मा आपके इर्द गिर्द ही है, क्योंकि एंजल्स आपके इर्द गिर्द ही यहाँ पर रहने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो, ठीक है, और मतलब बहुत अपनी हर चीज को बहुत संजोग कर यहाँ पर रखने वाले हो। ओके, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस में यहाँ पर बहुत ज्यादा देख रही हूँ आपकी लाइफ में। ओके, तो ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ नेक्स्ट 15 डेज में, जिसे आप रिसीव यहाँ पर करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में जो आप चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आपको फाइनेंशियली कोई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि आप अब रिसीव मोड में आ रहे हो। ओके, द टेम्पल पाथ या नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं ऐसी जगह घूमने जा रहे हो कि जहां पर बहुत ज्यादा सुकून है, शांति है, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर जाने का कोई मीनिंग है, आपका कोई पर्पस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है।
या आपका कोई जहां पर नेक्स्ट 15 डेज में आप शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी मंदिर या किसी के बहुत ज्यादा इन सब चीजों के तीर्थ स्थल ये इन सब चीजों के आप बहुत इर्द गिर्द रहोगे, ठीक है। कुछ रिश्ता है, गहरा रिश्ता है शायद आपका, तो वो चीजें भी आप यहाँ पर खूबसूरती से यहाँ पर देखोगे, ठीक है। यहाँ पर गुरु वाली ऊर्जा आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के लाइफ में कोई गुरु आने से भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पर, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 नंबर गुरु को बताता है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी के लाइफ में कोई गुरु आया है, ठीक है, या आपके अंदर की, जैसे आपके अंदर का गुरु यहाँ पर जागा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो, आपकी आध्यात्मिक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी भी शुरू हो रही है, कुछ ऐसी जर्नी शुरू हो रही है कि जहां पर आप अपने आप को बहुत बैलेंस समझोगे और आप हील होते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। टेम्पल पाथ यहाँ पर बहुत, मतलब एक सुकून और एक शांति की ऊर्जा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट 15 डेज आप शायद बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे आप आना जाना पसंद करोगे, या बहुत ज्यादा ध्यान, मेडिटेशन, योगा, है ना, इन सब चीजों में आप अपने आप को शायद उन सब चीजों में ज्यादा रखोगे, ठीक है। अबंडेंस बहुत आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में, आप काफी जैसे कहते हैं कि बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज को आप रिसीव करते हुए मुझे भी नजर आ रहे हो, ठीक है। ब्लेसिंग अबंडेंस, यस, यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर भी 3 नंबर आ चुका है आपका। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ, नेक्स्ट 15 डेज आपका एक बहुत बड़ा, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़, जीवन एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला है आपका, ठीक है। तो ज्ञान, कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हो, ठीक है, ये ब्लेसिंग से है डियर आपके लिए। अगर कुछ, मैं फिर बता रही हूँ यहाँ पर, अगर कुछ कर रहे हो पहले से, आप अभी कुछ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, तो वहां पर अपने ऊपर विश्वास करना, क्योंकि आपकी आपका जो गुरु, ठीक है, आपके अंदर का गुरु, वो जैसे अब वो जाग रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर अब क्योंकि वो ब्लेसिंग से है डियर आपके लिए, वो ब्लेसिंग से आपके लिए, ताकि आप अपनी आपकी जो सोल है ना, बहुत इस पर चले, मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो अबंडेंस लेके आ रहे हैं यहाँ पर, वो ये एक ऐसी ब्लेसिंग है कि जहां पर मुझे मुझे बहुत ज्यादा स्टार की ऊर्जा ना यहाँ पर नजर आ रही है, कि आप फाइनली, जैसे आप भविष्य में नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को जैसे उस ब्लेसिंग्स का हकदार आप मानोगे, और फ्यूचर से इस ब्लेसिंग्स के कारण आप एक स्टार की तरह यहाँ पर शाइन करोगे, ठीक है। क्योंकि ब्लेसिंग अबंडेंस, यहाँ पर अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपका तीसरा नेत्र, थर्ड आई, यही बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ज्यादा ऊपर बिलीव करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफी बहुत बड़े मेजर चेंज से आप गुजरने वाले हो। फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, आर्केंजल गैब्रियल, जो मैंने बोला एंजल्स आपके साथ रहेंगे, ठीक है। एंजल्स, जिसे आपके नेक्स्ट 15 डेज आपको यहाँ पर बताया जाएगा, एंजल्स आपको, मैं एक बात ये भी बता दूं कि एंजल्स आपको अगर किसी सिचुएशन में आपको देखेंगे ना, आके आप वापस अपनी उसी भूल भुलैया उसी दुनिया में आप जा रहे हो, पास्ट वाली ऊर्जा में, ठीक है। तो आर्केंजल रेफ्रल से थोड़ा सा प्रेयर प्रार्थना आपको यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको काफी हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आपके काफी ऊपर के चक्रास जो होंगे ना, वो काफी एक्टिवेट रहेंगे, ठीक है, वो काफी ओपन यहाँ पर रहेंगे। तो आर्केंजल गैब्रियल यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा, ठीक है, या आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने दिल की बातों को या मन की बातों को, ठीक है, वो शायद इजहार नहीं कर पाते हो या कह नहीं पाते हो, तो वो आपका थ्रोट चक्रा भी हील किया जा रहा है, ताकि आप खुलकर बोलो। एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऐसा नहीं देख रही हूं मैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हर चीज में आ रहा है, आपकी अवेयरनेस में आ रहा है, आपके हेल्थ में आ रहा है, आपके आध्यात्मिक जर्नी में आ रहा है, जैसे वो चारों तरफ से आपके रास्ते यहाँ पर खोले जा रहे हैं। और मंजूरी यहाँ पर, जैसे ऐलान की ऊर्जा है, म्यूजिक यहाँ पर, जैसे बहुत आपको म्यूजिक यहाँ पर नजर आएगा, जैसे आर्केंजल रेफ्रल भी आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको
जैसे बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट 15 डेज में आपको शंखों की आवाज बहुत ज्यादा नजर आएंगी, ठीक है। जैसे ऐलान किया जा रहा है आपको कि आपको चौकन्ना भी रहने की जरूरत है, यहाँ पर होशियारी से आपको काम लेने की जरूरत है, क्योंकि आर्कएंजल रेफेल यहाँ पर आपको बोल रहे हैं एक नेक्स्ट 15 डेज में गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पर निकल रही है कि गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, बहना है, कोई आर्गुमेंट नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, तो उसके लिए आपको रेडी रहने की जरूरत है, ठीक है। किसी चीज में फंसना नहीं है, क्योंकि अब आपका बहुत मेडिटेशन भी करना, ध्यान रखना है। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ कि ध्यान ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बैलेंस रहोगे तो अपनी इंट्यूशन की सुन पाओगे, तभी वो ऑफर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि समय बहुत कुछ समय बदल रहा है आपका, डेथ का कार्ड आया है, मेजर चेंज मेजर बदलाव, ठीक है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस बदलाव नेक्स्ट 15 डेज में आ रहा है, ओके। वो आपकी अवेयरनेस में आ रहा है, आपकी हीलिंग में आ रहा है, आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर आ रहा है। अभी तक शायद कुछ करने में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपने कुछ लर्न करने में, सीख पाने में, या आप अपने एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे, तो बिल्कुल यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल आपको बैलेंस यहाँ पर कर रहे हैं। जो भी आपके दिल में दुख तकलीफ है उससे यहाँ पर आपको बाहर निकाला जा रहा है। सन का कार्ड है, नेक्स्ट 15 डेज में एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सन का कार्ड भी यहाँ पर यही बताता है, ठीक है, कि बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है आपकी लाइफ में। सन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आपने शायद एक टाइम पर हो सकता है कि उम्मीद ही छोड़ दी हो, उम्मीद ही छोड़ देना कि नहीं अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ चल रही है, बहुत दर्द से आप गुजर रहे हो, तो पेशेंस रखो, ठीक है, उम्मीद रखो। सन आ रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर, सन जैसे यहाँ पर अबंडेंस तो मैं देख ही रही हूँ, यहाँ पर जैसे जैसे ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा आपकी तरफ जैसे वो रोशनी बनकर आ रही है, ठीक है, जैसे जैसे सूरज बिल्कुल अपनी अपने उस पे अपने समय से उदय होगा, वैसे वैसे आपके जीवन में भी मधुरता आती चली जा रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपकी तरफ नेक्स्ट 15 डेज में आपको बहुत ज्यादा खुशियां हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसी खुशी है कि शायद आप सोच रहे हो कि मतलब यहाँ पर कि कोई ऐसा कुछ मुझे जॉब मिल जाए जहां से मैं थोड़ा सा अर्न कर पाऊं, या मेरी जो फाइनेंशियली जो सिचुएशन है थोड़ी सी बेटर हो जाए, तो नेक्स्ट 15 डेज में वो भी आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस यहाँ पर आ रही है, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी हीलिंग भी यहाँ पर हो रही है, ओके। यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपके लिए, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है डियर, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए आपका जीवन नया मोड़ लेने वाला है, कुछ खास होने वाला है, उस चीज को आपको समझना है, ओके। अबंडेंस तो आ रही है डेफिनेटली नेक्स्ट 15 डेज में आपकी तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी नेक्स्ट 15 डेज में मुझे किसी चीज की तसल्ली भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप बहुत ज्यादा तसल्ली में आप रहोगे, जैसे हाँ कि मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है किसी बात की भी, यहाँ पर जो मैं चाह रहा था परमात्मा वो मुझे यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा आपके लिए ना अबंडेंस नजर आ रही है। आप फाइनेंशियली, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फाइनेंशियली आप अपने आप को मतलब ऐसा देखना चाहते हो कि जहां पर आपकी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाए, तो वो आपकी तरफ यहाँ पर वो विश आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर आपके अराउंड आप जो सोच रहे हो ना, आपके चारों तरफ जैसे इसके इसके रास्ते खुलेंगे आपको, कि आप कहीं से अर्निंग करना चाहते हो, कहीं से फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाए, कहीं से कुछ भी ऐसा मिल जाए कि जहां पर जो भी मेरी परेशानी दुख तकलीफ है वो खत्म हो जाए। तो डियर नेक्स्ट 15 डेज में आपके चारों तरफ, एक दरवाजा नहीं, बहुत कुछ चीजें आपकी तरफ ऐसी आएंगी जहां से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि आपके चारों तरफ ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा चेंजेस आ रहा है कि जहां से हर तरफ से आपको मनी मैग्नेट, जैसे पैसा ही पैसा आपको यहाँ पर मिलने वाला है,
ठीक है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी के ऊपर विष्णु भगवान की भी असीम कृपा और ये माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा यहाँ पर होने वाली है आपके ऊपर, ठीक है। एंड कोई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी में मछलियों को बहुत ज्यादा दाना पानी आप डालते हो, तो विष्णु भगवान की बहुत कृपा आपके ऊपर हो रही है, ठीक है। और इन इनकी ये एनिमल्स की यहाँ पर ये एंड्स की इनकी इनकी भी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही है, फिश की भी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, ठीक है। आपको आपको ये फिश आपको बहुत ज्यादा, आपको चारों तरफ से आपको फिश, हो सकता है किसी मोबाइल में देख लो, किसी पोस्टर में आप देख लो, ये फिश आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी, क्योंकि फिश हमेशा अबंडेंस को बताती है, डिवाइन सर्विसिंग। यस मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज में आप मुझे जो डिवाइन आपको ऑफर कर रहा है, ठीक है, आप वो काम करने वाले हो, क्योंकि मुझे आप डिवाइन के ऐसे दूत हो जहां पर आपको बहुत इंट्यूशन, जो मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर आर्केंजल रैफेल, आर्केंजल रैफेल आपको जैसे स्वर्ग के दूत होते हैं ना, आप स्वर्ग दूत में आपको वो इंट्यूशन आपको आपकी बहुत ज्यादा हाइक करने वाले हैं। स्वर्गदूत देखो गैब्रियल हैं, ठीक है, थीके? लेकिन उनकी एनर्जी कहाँ जा रही है, आपके ऊपर जा रही है, ठीक है। तो वो आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना करने होने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा जैसे आपको अलर्ट करेंगे, वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई कहीं डिफेंस में या कहीं पर भी कुछ भी जैसे होता है ना, मैं एक आपको थोड़ा सा उसमें बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे सिंपल से ही एक एग्जाम ले लो कि जब बच्चों की छुट्टी होती तो बेल बजाई जाती है ना, तो उनको वो पता चल जाता है कि नहीं छुट्टी हो चुकी है बच्चों की, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट किया जाएगा आपकी इंट्यूशन के माध्यम से, या साउंड्स, आपको बहुत तरह तरह के साउंड्स आपको नजर आएंगे यहाँ पर, या बर्ड के, या घंटी के, या जैसे बहुत जो साउंड होते हैं जो हमें अलर्ट की आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको डिवाइन सर्विसिंग, कि आपके लिए आपको यहाँ पर चूज करा है कि आपको डिवाइन का कुछ यहाँ पर काम करना है, ठीक है। डिवाइन सर्विसिंग यहाँ पर आपको करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डॉग बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप डॉगी को या एनिमल्स को, इन सब के पास आप बहुत ज्यादा इर्द गिर्द रहते हो, ठीक है, और उनकी ऊर्जा आपके निकट आती है, उनकी ऊर्जा से बहुत ज्यादा आप हील होते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके अंदर भी वही चीजें आ रही हैं, एक एक जैसे डिवाइन सर्विसिंग, जो डिवाइन सर्विसिंग वही करते हैं जो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, जो प्योर होते हैं, जो सच्चे होते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप डिवाइन का कुछ, डेफिनेटली डिवाइन की दी हुई दिया हुआ आशीर्वाद या उनकी सर्विसिंग आप करने वाले हो, इसीलिए नेक्स्ट 15 डेज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट 15 डेज में किसी के घर में कोई डॉगी आने वाला है, या आप अपने घर में डॉगी को बहुत ज्यादा केयर करने वाले हो, उनसे लाड़ लड़ाने वाले हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा उनके इर्द गिर्द यहाँ पर रहोगे, गर्मी भी वैसे बहुत हो रही है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा उनके टच में यहाँ पर रहोगे। नेक्स्ट 15 डेज एम्पायर यहाँ से आपका सोलर प्लेसेस चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ पर हो रहा है डियर, ठीक है। आपकी आपका अग्नि तत्व, आप हो सकता है वाटर साइन भी है यहाँ पर, फायर साइन भी है यहाँ पर, तो आपका आपका फायर साइन जैसे बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है, ठीक है। आपका सोलर प्लेसेस चक्र, जो कि आप जोश में रहोगे, जुनून में रहोगे, काफी एक्टिव यहाँ रहोगे, ठीक है। और आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी जो ब्लॉक थी यहाँ पर, ठीक है, वो सब चीजें आपकी एक्टिव होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। स्पिरिचुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा आप यहाँ पर ग्रो करने वाले हो, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करोगे, ध्यान आप करोगे, अपने चक्रास के ऊपर यहाँ पर काम करने की भी जरूरत है आपको, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज डियर मैं सच बता रही हूँ, अगर पूरी रीडिंग का अभी मैं यहाँ पर सार निकालूं तो यही आ रहा है, नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए चमत्कारी हो सकते हैं, आपको सिर्फ बैलेंस रखना है। आर्केंजल गैब्रियल आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हर चीज में चेंजेस कर रहे हैं, आपके स्पेशल गिफ्ट है वो ओपन हो रहे हैं, आपके चक्रास
आर्केंजल गैब्रियल आपके चक्रास को ओपन यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए आपको पीस में रहना है, शांति में रहना है, ठीक है। और आपकी यहाँ पर सोलर प्लेसेस चक्रा यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपका कैरियर, आपकी अवेयरनेस, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा यहाँ पर आर्केंजल गैब्रियल आपको दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक आपकी आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ यहाँ पर आने वाला है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि फाइनली सब कुछ बदल चुका है। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए काफी खास होने वाले हैं डियर, इस चीज को समझने की जरूरत है। अबंडेंस फुल लेवल पर आ रही है, टेचर अवेकेंसेस यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आपको शेयर करने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस जो मैं बोल रही हूँ, अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर कॉलिंग को इग्नोर मत करना, जो भी आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, ठीक है, बता रही है, बस उसको यहाँ पर सुनने की जरूरत है। कुछ स्पेशल है आपके पास यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके डिवाइन सर्विसिंग आपको करनी है। आपके पास कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स है परमात्मा की, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, जिसे आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर परमात्मा के चुने हुए बंदे हो। आपको डिवाइन सर्विसिंग, आप यहाँ पर, मैं सच बताऊँ ना कि परमात्मा किसे चुनता है, जो बहुत स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, और आप थे यहाँ पर, और परमात्मा आपकी 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 जो विश थी वो विश पूरी कर, आप मुझे ऐसा लग रहा है अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपको हीलिंग भी दी जा रही है, आपको अबंडेंस भी यहाँ पर दी जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ये आ रहा है आपके लिए, एंड यहाँ पर मैं थैंक यू नेक्स्ट 15 डेज। ओके, अटटोरियस नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफी, जो मैंने बोला ना, आप मैजिशियन, ठीक है, आप मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। यस, आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ऊंचे लेवल से कुछ आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी थर्ड आई एक्टिव रहेगी डियर नेक्स्ट 15 डेज में। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा। आप मैजिशियन की ऊर्जा में यहाँ पर जा रहे हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप क्या मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो, क्या हेल्प चाहिए आपको, वो चीजें आपको देखने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज जॉय आपकी लाइफ में, जॉय आ रहा है, ठीक है, खुशी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जॉय तो कार्ड है, लेकिन यहाँ पर आप जिसे अंदर से, अपने अंदर एक ऐसी खुशी को महसूस करोगे, ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन आपको लगेगा, फील होगा, सब तरह की कोई टेंशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है, और बिंदास होकर जैसे आप अपनी ही दुनिया में मग्न होते हुए मुझे नजर आ रहे हो, जैसे किसी की नहीं पड़ी है मुझे, मैं अपनी ही दुनिया में मस्त हूँ। ऐसा जॉय, एक ऐसी हैप्पीनेस, ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका सोलर प्लेसेस चक्र एक्टिव यहाँ पर किया जा रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी वो ब्लॉक था आपका, ठीक है, तो वो वहां से आपकी खुशी आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर मिरेकल्स, मैंने बोला ना कि चमत्कार, नेक्स्ट 15 डेज में आपके साथ बहुत मिरेकल्स होने वाले हैं डियर। बस आपको जो मैंने बोला यही फॉलो आपको करने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, ओके, आप जो चाह रहे हो वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। मिरेकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जब पूजा पाठ करते हो, धूप बत्ती करते हो, तो वो जो धुआं उठता है ना, उसको ध्यान से थोड़ा सा देखा करो। उसमें बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत कुछ वहां से देखने के लिए मिलेगा, आपको तरह तरह की आकृतियां उसमें बनेंगी, तो उसमें बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, पता चलेगा वहां से आपको, ठीक है। और आपका ये जो वापस सोलर प्लेसेस चक्र का यहाँ पर कार्ड निकला है, तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। वन कार्ड में यहाँ पर ओढ़ लूंगी, एंड यहाँ पर गॉसिप
नेक्स्ट 15 डेज में आप काफी चर्चाओं में भी आप रहने वाले, काफी आपकी गॉसिप होने वाली है यहाँ पर डियर। गॉसिप यही हो रही है कि एक टाइम पे बहुत नेगेटिव वे में आपको लिया जाता था, और एक टाइम पे आपकी ये चर्चा भी हो रही है कि आप डेफिनेटली आपके पास ईश्वर की पावर है, ईश्वर की ऐसी ब्लेसिंग से शक्ति है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में मिरेकल्स कर रहे हो डियर। ओके तो डियर ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और जिसे भी पर्सन नहीं चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। बाय।